गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसको आज हम राव चंद्रसेन से कंटिन्यू करेंगे। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। यह मालदेव व झाला रानी स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया। राव मालदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से अप्रसन्न थे, जबकि उससे छोटे पुत्र उदय सिंह को पटरानी स्वरूप दे चंद्रसेन की मां ने राज्याधिकार से वंचित करवा दिया था। मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छानुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को उसका सबसे छोटा बेटा चंद्रसेन जोधपुर की राजगद्दी पर बैठा। मालदेव के काल में उसे बीसलपुर और शिवाना की जागीर मिली हुई थी। शासक बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रसेन ने आवेश में आकर अपने एक चाकर की हत्या कर दी। इससे जैतामल और उससे मेल रखने वाले कुछ अन्य सरदार अप्रसन्न हो गए। नाराज सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके विरोधी भाइयों राम, उदय सिंह और रायमल के साथ गठबंधन कर उन्हें आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। राम ने सोजत और रायमल ने दुनाड़ा प्रांत में उपद्रव शुरू कर दिए तथा उदय सिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। सूचना मिलते ही चंद्रसेन ने इन उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे राम और रायमल तो अपनी अपनी जागीरों में लौट गए। लोहावट का युद्ध। उदय सिंह ने चंद्रसेन से लोहावट में मुकाबला किया। वहाँ चंद्रसेन की बर्छी का वार उदय सिंह पर हुआ, जिसके फलस्वरूप यह घोड़े से गिर गए और उनके साथी किसी तरह उन्हें घटनास्थल से बचाकर ले गए। इस लड़ाई में उदय सिंह के कई प्रमुख सहयोगी सरदार मारे गए और विजय चंद्रसेन की रही। अकबर के अधिकार में जोधपुर का जाना। लगभग 1564 ईस्वी में चंद्रसेन का सौतेला भाई राम अकबर के दरबार में पहुँच गए और शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर अवसर की ताक में थे। उसने शीघ्र ही हुसैन कुली खां की अध्यक्षता में एक फौज भेज दी, जिससे जोधपुर पर अपना कब्जा स्थापित कर दिया। विवश होकर चंद्रसेन भद्राजून के किले की तरफ चले गए। नागौर दरबार 1570 ईस्वी। जोधपुर छूटने के बाद राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अकबर के पास इन स्थितियों की खबरें पहुंचती रही। वह 1570 ईस्वी में अजमेर यात्रार्थ आए थे कि उसने मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल की खबर सुनी। वह 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर पहुंचा और वहां उसने कुछ समय रहने का निश्चय किया। दुष्काल से राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाने आरंभ किया, जिसका नाम शुक्र तालाब था। अकबर ने उधर मेवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बना ली थी। यहाँ कई नरेश, जिनमें बीकानेर और जैसलमेर के नरेश मुख्य थे, अकबर से मिलने पहुँचे। आमेर द्वारा जो वैवाहिक संबंध का सिलसिला आरंभ हुआ था, उसके पद चिन्हों पर चलकर बीकानेर तथा जैसलमेर के शासकों ने अकबर से वैवाहिक संबंध जोड़े। रावचंद्र सेन, उदय सिंह, राम सिंह आदि ने भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। चंद्रसेन भी अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। चंद्रसेन ने देखा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। वह अकबर के दरबार में चल दिया। यह अपने ज्येष्ठ पुत्र राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़कर पुनः भद्राजून लौट आए। मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी सिद्ध हुआ। जो नरेश नागौर आए थे, वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ, उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। यहाँ से राजपूत नरेशों का स्पष्ट वर्गीकरण मुगल विरोधी और मित्र राज्यों में हो गया था। मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति नागौर दरबार के बाद स्पष्ट थी। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर महाराणा बीका को मारवाड़ से सहायता मिलने लगी। इस मार्ग में गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को सामावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया तथा उधर से होने वाले गुर्जरों का प्रभाव कम करने का उपाय ढूंढ लिया। राम को, जो वास्तव में मारवाड़ का हकदार था, अपने पैतृक राज्य से अलग रखने के लिए शाही सेना के साथ कर दिया, जो सेना मिर्जा बंधुओं की
दबाने के लिए नियुक्त की गई थी। इस प्रकार अकबर से अलग अलग अधिकारियों के स्वार्थ निश्चित कर जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित कर। चंद्रसेन का विरोध और मुगल। 1565 ईस्वी में जोधपुर के परित्याग के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल अधिकारियों के जत्थों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो वहां से हटकर शिवाना में अपना मोर्चा बनाया। शिवाना का गढ़ और पहाड़ी मार्ग दुर्गम था। 1571 ईस्वी में चंद्रसेन भद्राजून का परित्याग कर शिवाना की तरफ चले गए। 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह आदि को भेजा। यह सेना सोजत में चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को पराजित करते हुए शिवाना पहुंची। चंद्रसेन किले की रक्षा का भार पत्ता राठौड़ को सौंपकर पहाड़ों में चले गए और वहीं से मुगल सेना के पाशों पर छापामार पद्धति से आक्रमण कर उन्हें क्षति पहुँचाने लगे। अकबर की तरफ से एक बड़ी सेना भेजे जाने पर चंद्रसेन पहाड़ों में चले गए। यद्यपि मुगल सेना ने उनका पीछा किया, किंतु चंद्रसेन को पकड़ने में वे असफल रहे। 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में शिवाना की तरफ एक बड़ी सेना भेजी गई, जिसमें सैयद अहमद, सैयद हाशिम, शिमाल खां आदि अमीर भी शामिल थे। लंबे संघर्ष के बाद एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने अपने सहयोगी देवीदास के साथ मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में जलाल खां मारे गए। अब अकबर ने शाहबाज खां को भेजा। उसने शीघ्र ही देवकोट और दुनाड़ा पर अधिकार कर शिवाना को घेर लिया। 1575 ईस्वी में शिवाना के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। संकटकालीन राजधानी शिवाना हाथ से निकलने के बाद अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया। इस समय पोखरण में राव चंद्रसेन की तरफ से किलेदार आनंदराम पंचाली थे। 4 माह के घेरे के बाद रावल हर्राय ने चंद्रसेन के सामने प्रस्ताव रखा कि 1 लाख फदिये के बदले मुझे पोखरण दे दो। जोधपुर पर अधिकार होने के बाद 1 लाख फदिये लौटाकर मुझसे पोखरण ले लेना। चंद्रसेन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जनवरी 1576 ईस्वी में पोखरण भाटियों को दे दिया। 1579 में चंद्रसेन ने सरवाड़ के मुगल थानेदार को लूट कर अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने अजमेर प्रांत पर भी धावे मारने शुरू कर दिए। बादशाह अकबर ने पायंदा मोहम्मद खां के नेतृत्व में सेना भेजी। चंद्रसेन ने 1580 ईस्वी में इस सेना का सामना किया, किंतु उन्हें असफल होकर पुनः पहाड़ों में लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया। 7 जुलाई 1580 को सोजत पर हमला कर दिया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण के पर्वतों पाली में पिचियाक नामक स्थान पर अपना निवास कायम किया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। यही चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के सामंत वैरसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबर कालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उनके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। राव चंद्रसेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अपनी रणनीति में जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व स्थापित किया। महाराणा उदय सिंह के बाद चंद्रसेन राजपूताने के दूसरे शासक थे। इस प्रणाली का अनुसरण महाराणा प्रताप ने भी किया। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, उनका अग्रगामी कहा जाता है। इसीलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन व महाराणा प्रताप कोरड़ा गांव में मिले। राव चंद्रसेन ऐसा अंतिम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि कष्टों का मार्ग अपनाया। तत्समय राजपूताना में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन, यही दो स्वाभिमानी वीर अकबर की आंखों के कांटे बने। मोटा राजा उदय सिंह, ये राव चंद्रसेन के बाद में शासक बने। 1583 से 1595 ईस्वी तक ये शासक रहे। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 1583 ईस्वी तक 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार, खिलत और खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया गया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगल राज्य की कृपा प्राप्त की। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह शाहजादे सलीम के साथ किया।
अमरहनुज से पाया जाता है कि यह वही मानमती ही जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण इन्हें जोधाबाई कहा गया। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। जोधपुर राज्य में यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को मुगल व्यवस्था में बढ़ाने का प्रयास किया। इसी जोधाबाई से शहजादा खुर्रम उत्पन्न हुए जो कालांतर में शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट।